व्हाट्स अप गाइस, वी आर बैक विद ब्रांड न्यू वीडियो क्लैश ऑफ क्लैंस। एंड गाइस, आज की वीडियो में करने जा रहे हैं हम चीज़ों को अपग्रेड, अपने ट्रेजर का फिर से यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मिलियन गोल्ड एंड 1.8 मिलियन एलिक्जर है और 190K डार्क एलिक्जर है। जैसे जान दे सकते हैं, मेरे 2 बिल्डर खाली है, तो हम उन 2 बिल्डरों को काम पर फिर से लगाएंगे। और हमारे क्लैन कैसल में भी बहुत सारी लूट है, जैसे जान दे सकते हैं 3.5 मिलियन गोल्ड एंड 3.5 मिलियन एलिक्जर एंड 11K डार्क एलिक्जर है। तो हम चीज़ों को अपग्रेड इस तरह लगाएंगे कि हमारा सारा गोल्ड सारा एलिक्जर खत्म हो जाए। हम डार्क एलिक्जर का यूज़ नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मुझे वॉर में अटैक करने हैं। वॉर में अटैक करने के लिए मुझे हीरो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरी रिसर्च ट्रैप खाली होती तो शायद हम डार्क एलिक्जर का यूज़ कर लेते, लेकिन ट्रेजर कलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 200K डार्क एलिक्जर हो जाएंगे, जिनका उपयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हीरो को अपग्रेड करने में और स्पेल और डार्क एलिक्जर ट्रूप को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में करने वाले हम गोल्ड एंड एलिक्जर का यूज़ और अपने दोनों बिल्डरों का काम पर लगाएंगे। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, अपने ट्रेजर को कलेक्ट करते हैं सारे, जो कि है ऑलमोस्ट 3 मिलियन गोल्ड एंड एलिक्जर एंड 11K डार्क एलिक्जर। और हमारे पास हो चुकी है 7 मिलियन गोल्ड एंड ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन एलिक्जर एंड 200K डार्क एलिक्जर। और अभी भी हमारे पास ट्रेजर में 6K डार्क एलिक्जर बचा हुआ है। तो हमें गोल्ड एंड एलिक्जर का यूज़ इस प्रकार करना है कि हमारे दोनों बिल्डर काम पर लग जाए और हमारी ऑलमोस्ट गोल्ड एंड एलिक्जर ख़त्म हो जाए। तो पिछली बार हमने कैनन और आर्चरी टावर को अपग्रेड किया था। आर्चरी टावर की कीमत है 2 मिलियन गोल्ड और ये 1 दिन 12 घंटे में अपग्रेड हो जाएगी। और इस कैनन को अपग्रेड किया था लेवल 11 पर, इसकी कॉस्ट है 3 मिलियन, जो कि 2 दिन में अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे पास 4.8 मिलियन गोल्ड बच जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे जिससे हमारा गोल्ड एंड एलिक्जर सारा ख़त्म हो जाए। तो कुछ बिल्डर से ही पूछ लेते हैं। टाउन हॉल की कीमत 7 मिलियन है, हमारे पास 200K गोल्ड कम है। तो बिल्डर से ही पूछ लेते हैं किस चीज़ को अपग्रेड लगाएं, किस चीज़ को नहीं। एलिक्जर करेक्टर 7, जिसकी कीमत 500K है। आर्मी कैंप को हम अपग्रेड लगा सकते हैं एलिक्जर, हमारे पास ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन एलिक्जर है, जिसकी कीमत 5 मिलियन है। और बैरक्स, इसकी कीमत 3.2 मिलियन है, हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मिलियन एलिक्जर फिर भी बच जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को अपग्रेड लगाएंगे। लेकिन अब हम लगाते हैं हम अपने आर्मी कैंप को, जिससे कि 5 की ट्रूप कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हमारा आर्मी कैंप 240 का हो जाएगा 235 की जगह। तो एक तो इसको अपग्रेड लगा देते हैं, जो कि 4 दिन में अपग्रेड हो जाएगा। इससे हमारा एक बिल्डर काम पर लग गया और हमारे पास 400K एलिक्जर बचाया और बचता है हमारे पास 6.8 मिलियन गोल्ड। 6.8 मिलियन गोल्ड का यूज़ हम कहाँ करें, पूछते हैं फिर से बिल्डर से। और एक है मोटर, जिसकी कीमत है 5 मिलियन, एयर डिफेंस 4.5 मिलियन, हिडन टेस्ला विजार्ड टावर 4.2 मिलियन। तो सबसे महंगा गाइस इसमें मोटर ही है, जो कि 5 मिलियन की कॉस्ट है, 5 मिलियन गोल्ड की कॉस्ट है। तो हम मोटर को ही अपग्रेड में लगाएंगे। लेकिन उससे पहले गाइस 2 वॉल्स को अपग्रेड लगा देते हैं, ताकि गोल्ड कम बचे। 5 मिलियन कॉस्ट है, तो हम 2 वॉल्स को अपग्रेड लगा देते हैं। अब हमारे पास 5.8 मिलियन गोल्ड बचा है और इस मोटर को अपग्रेड में लगा देते हैं, लैब्स को, जो कि 5 दिन में अपग्रेड हो जाएगी। और हमारी रिसर्च लैब 2 दिन के बाद, 5 दिनों के बाद फ्री हो जाएगी और हम अपने डार्क एलिक्जर का यूज़ कर पाएंगे। लेकिन भाई, उससे पहले हम अपने हीरो को अपग्रेड लगाएंगे, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अपने 2 अटैक करने हैं और आज ये ख़त्म हो जाएगी 7 बजे। उससे पहले मुझे अपने 2 अटैक करने हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।